हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनिमेट में, इंसर्ट मेन्यू बार में, ग्रिड शेप ट्यून के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए मैं एक नॉर्मल तरीके से आपको बताता हूँ कि हम किस तरीके से क्या काम करते हैं। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, हम शेप पे इस पर काम करते हैं। कोई भी आप ऑब्जेक्ट लेते हो या कोई इमेज लेते हो, उसको आपको कंट्रोल वी ब्रेक अपार्ट करना पड़ेगा जब आप इसमें काम कर सकते हैं शेप टूल के बारे में। तो जैसे मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ एलाइन पे जाता हूँ। मैंने कि यहाँ इसकी विड्थ हाइट और इसको सेंटर में इस तरीके से। अब हम आपका 50 फ्रेम पे जाते हैं। मैंने किया है F6, मैंने F6 किया और मैंने इसमें एक सेंटर से इतना हिस्सा लिया और डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद जब मैं यहाँ राइट क्लिक करके शेप टून पे क्लिक करूँगा, या आप यहाँ से भी ऊपर से भी शो कर सकते हैं कि मैंने माउस से लेफ्ट क्लिक किया, आप करते हैं क्रिएट शेप टून पे क्लिक, तो ये इस तरह की शेप आ जाएगी। ये जैसे कोई पर्दा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है। तो मैं एंटर करता हूँ तो इस तरीके से ये बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है आपका। ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे मैंने एक इस तरीके से कोई रेक्टेंगल लिया। अब हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल ले रखा है। मैं करता हूँ यहाँ जाके इसको F6 करने के बाद मैंने इसको उठा के यहाँ शो किया, मैंने इतना हिस्सा इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ इसके इस तरीके से एक और शेप इस तरीके से डिलीट कर देता हूँ। अब हम आगे जाते हैं, मैंने किया यहाँ जाके इसको F7 एक नई शेप ली। F7 के लिए मैंने क्या किया, यहाँ जाके कोई इलिप्स ले लिया, जैसे मैंने ये इलिप्स ले लिया इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ कि रेक्टेंगल से वो चार बॉक्स बनाए दें और फिर इस तरीके से कोई इलिप्स दिखाई दे। आप इस इलिप्स में अपने हिसाब से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, जो भी आपको कलर लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ जाके कोई भी कलर शो किया इस तरीके से। आगे जाता हूँ, मैंने किया यहाँ जाके इसको फिर F6, मैंने इसको उठाया और यहाँ रखा। यहाँ रखने के बाद मैं इस तरीके से इसमें क्या करता हूँ, इस तरीके से इसको इस तरह का कोई इफेक्ट शो कर दे देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं, मैंने किया राइट क्लिक, आप करते हैं क्रिएट शेप टून, वही चीज़ जो हम अंदर अंदर से या बाहर से ले सकते हैं। तो मैंने किया है क्रिएट शेप टून पे क्लिक, तो ये क्या करेगा, कंट्रोल एंटर, रेक्टेंगल से इस तरीके से ये चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा कोई आप एनिमेशन शेप के थ्रू बना सकते हैं। तो अभी ये काफ़ी फास्ट है, मैं चाहता हूँ थोड़ा स्लो चले। तो या तो स्लो चलने के लिए आप यहाँ F5 फ्रेम ऐड कर सकते हैं, या फ्रेम रेट मैंने किया जैसे ये 24 है आपका, तो मैं करता हूँ इसको 12, तो थोड़ा स्लो मोशन में चलेगा ये आपका। कंट्रोल एंटर करता हूँ तो ये इस तरीके से आ रहा है स्लो मोशन होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया आपका। अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ जाके, जैसे मैंने इसको किया 20, वो पहले 24 था आपका, मैंने एंटर किया तो ये इस तरीके से आ रहा थोड़ा स्लो मोशन में। तो ऐसा कोई आप इफेक्ट शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है जैसे फाइल में कि कंट्रोल है, मैंने एक न्यू शीट ली। अगर आप चाहें तो वो टेक्स्ट में भी शो कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो एक मैं उदाहरण और दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया। आप यहाँ करते हैं इसकी कि मुझे एलाइन के हिसाब से मैंने इसकी विड्थ हाइट और इसको सेंटर में दे दिया इस तरीके से। अब हम 40 फ्रेम तक जाते हैं, मैंने किया है F6, मैं बीच में से इतना हिस्सा डिलीट कर देता हूँ, जैसे मैंने डिलीट कर दिया। अब हम करते हैं यहाँ जाके इसको सिलेक्ट, आपने किया यहाँ जाके क्रिएट शेप टून पे क्लिक, तो ये शेप बनेगी, तो ये इस तरीके से आपकी आ रही है। जैसे मैंने कंट्रोल एंटर किया तो ये इस तरीके से शो करता हुआ दिखाई दे रहा है आपका। ऐसा कुछ आप डिजाइन आप बना सकते हैं। तो ये शेप टूल के बारे में था। जैसे अगर हम कोई टेक्स्ट में देना चाहें कि जैसे मैंने इतना एरिया लिया, लेने के बाद फिर मैंने किया एक न्यू लेयर्स, आप करते हैं यहाँ जाके F7, मैंने एक F7 लिया, आप यहाँ इसको करते हो F5। मैं जब यहाँ जाता हूँ कि इस इफेक्ट के बाद कोई दूसरा स्टाइल आए, इस तरीके से आप कोई भी दूसरा स्टाइल शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ कोई भी टैग शो किया, कोई भी नाम लिखा, मैंने लिखा यहाँ SUMIT, सुमित सुमित करके कुछ देता हूँ मैं। अब हम यहाँ, मैंने ये पहले पिछली वीडियो में भी आपको बताया था इस तरह का इफेक्ट। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, जो भी आपको लेने हैं आप ले सकते हैं इस तरीके से। तो जैसे मैंने इसमें किया अप्लाई, अप्लाई करने के बाद अब हम करते हैं इसमें कंट्रोल एंटर, तो ये इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है, जैसे ऐसा, और फिर ये दूसरा इफेक्ट शो हो गया। तो इस तरीके से कोई भी स्टाइल आप दे सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।